वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ पे लाइट चली गई। जैसे मैं उठा उसके 10-15 मिनट बाद लाइट चली गई। फिर मैं फौरी भागा जाकर मैंने इंक्यूबेटर का देखा कि क्या वहाँ पे प्रोग्रेस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो मैंने देखा तो वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था काफ़ी। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आज मेंटेनेंस का काम चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या काम चल रहा है। उस वजह से आज जो है लाइट गई हुई और 7 बजे आने का है, 11:30 बजे लाइट गई है और बोल रहे हैं कि 7:30 बजे तक आएगी। तो अभी आपको नीचे चल के हम लोग दिखाते हैं कि हम लोगों ने जो है जब जनरेटर लाइट चली जाए तो फिर क्या इंतज़ाम किया हुआ है इंक्यूबेटर के लिए। बाकी मुर्गियों का दाना, खाना, पानी सब सुबह ही मैं कर चुका था। तो मेरा ब्लॉग बनाने का कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन लाइट चली गई मैंने कहा एक वीडियो बना दूँ कि इंक्यूबेटर का क्या प्रोग्रेस है, क्या करा है लाइट जाने के बाद। तो दोस्तों आप लोगों के साथ मुझे एक अपडेट भी शेयर करनी थी। माशाल्लाह से पहले 2 मुर्गी अंडे दे रही थी, अब माशाल्लाह से हमारी 3 मुर्गियों ने अंडे देने स्टार्ट कर दी। ये वाली मुर्गी तो पहले भी अंडे दे रही थी, बाकी एक मुर्गी अंडे नहीं दे रही थी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उस मुर्गी ने भी अंडे देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अंदर है वो, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मुर्गी मैंने पकड़ ली है, ये वाली मुर्गी है जिसने अंडे पहले नहीं देती थी ये माशाल्लाह से। तो इस मुर्गी ने भी अंडे देने स्टार्ट कर दिए। इस मुर्गी का साइज़ दोनों मुर्गियों से ज़्यादा बड़ा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह अभी ये डरी हुई थोड़ी खड़ी नहीं हो रही क्योंकि दोनों मुर्गियाँ अंदर है ना। ये मुर्गी तीनों से बड़ी है तकरीबन, मुर्गी जितनी है, इसका वेट भी ज़्यादा है माशाल्लाह। तो ब्राह्मण नस्ल में क्या होता है, जितनी बड़ी मुर्गी होती है उतना लेट अंडे देना स्टार्ट करती है। तो इस मुर्गी ने अब जाकर अंडे देना स्टार्ट करें। तो माशाल्लाह से इसके भी 2 अंडे हो गए, इसके भी 3 से 4 अंडे हो जाए, फिर इनको भी इंक्यूबेटर में मैं रख दूँगा। की बात रही चूज़ों की, तो कुछ लोग मुझसे जो है कॉमेंट्स के अंदर पूछ रहे थे कि चूज़े वगैरह कैसे मिलेंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं, अभी स्क्रीन पे आप लोग एक नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपडेट्स ले सकते हैं। सारी क्वेरीज वगैरह आप लोगों को वहाँ दूर हो जाएंगी। तो अभी मैं कमरे के अंदर जाके इसने भी ब्लॉग नहीं बना रहा क्योंकि जो है ना जनरेटर का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है उधर। इधर भी हल्का फुल्का आ रहा होगा लेकिन वहाँ ज़्यादा आ रहा है। हमारा माइक वैसे भी टूट गया था ना, आपने वाले ब्लॉग में देखा था दुम्बे वाले में, माइक तो सही है, उसका कनेक्टर टूट गया था। तो इस वजह से बस नया माइक आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाकी चूज़ों की अपडेट, चूज़े कब निकलने वाले हैं, तो 2 हफ्ते में चूज़े निकल जाएंगे इंशाल्लाह। वो भी ब्लॉग में आप लोगों का अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो अभी जैसा कि भाई ने बताया कि हमने अभी इंक्यूबेटर के ना जो अंडे रखे थे, जब उनसे चिक्स निकलेंगे तो हम उनकी प्री बुकिंग कर रहे हैं। मतलब कि अगर अभी जिन लोगों को चाहिए तो जो हमने अभी व्हाट्सएप पर नंबर दिया, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके मतलब हमसे ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं अपनी। हाँ तो चलते हैं, अभी इंक्यूबेटर भी चल के देखते हैं। कब से हमने जनरेटर चलाया हुआ है, देखते हैं कोई मसला तो नहीं है। बस अब मैं जो है इनका गेट भी खोल दूंगा ताकि अंदर चले जाए, कब से बाहर ही है। लेके आओ, मैं खड़ा हूँ। हाँ आओ, बस चलते हैं नीचे। तो देखिए मैं कमरे के अंदर आ गया हूँ और जो है हम लोगों ने जनरेटर चलाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा शोर है, कमरे की सारी खिड़कियाँ मैंने बंद करी हैं, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। देखिए जैसे बाहर चल रहा है जनरेटर, जनरेटर पे चलाया हुआ है इंक्यूबेटर। कोई वैसे इशू होता नहीं जनरेटर पे चलाना इंक्यूबेटर, क्योंकि ये जो है एडॉप्टर लगा हुआ है तो वोल्टेज अगर अप डाउन हो तो ज़्यादा इशू होता नहीं है। ये लाइट जो है वो कैमरे में फ्लक्चुएट हो रही है, वैसे नहीं हो रही। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, 37.5 टेम्परेचर है। सुबह जब मैंने इंक्यूबेटर ऑन किया था जनरेटर के ऊपर, जनरेटर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, मतलब आवाज़ उसकी थोड़ी सी अप डाउन हो रही थी, उसकी वजह से बल्ब भी जो है थोड़ा सा जल्द बुझ की रोशनी कम हो रही थी। अभी कैमरे में फ्लक्चुएट कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा। तो मैंने फौरी जो है वो इंक्यूबेटर बंद कर दिया इन केस इसका जो है सर्किट है ये ख़राब ना हो जाए। फिर मैंने क्या किया, जनरेटर जैसे ही नॉर्मल हुआ, जनरेटर का टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल हुआ, फ्लक्चुएशन बंद करी, उसके बाद मैंने जो है इंक्यूबेटर ऑन कर दिया। बहुत सारे लोग हम लोग से इसके बारे में पूछ रहे थे, उनको मैं बता दूँ कॉमेंट्स वगैरह में, आप ना पूछे जो नंबर मैंने दिया है उसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, आप लोगों को सारी डिटेल्स वगैरह उसी नंबर पर मिल जाएंगी। बाकी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लकड़ी मैंने यहाँ क्यों लगाई हुई है, ये ना ये लकड़ी लगाई हुई है, उसके उधर भी अंडे हैं। यहाँ पर आप देखें 3-4 अंडे उसके ऊपर भी उधर भी रखे हुए हैं। तो ये इसलिए रखा हुआ है कि जब उस तरफ हमने हैचिंग एरिया बनाया था, क्योंकि एक ही इंक्यूबेटर हमारे पास हैचर नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग जो अंडे हैच होने वाले होते हैं जिनको रोटेट नहीं करना होता, 18 दिन हो जाते हैं, उनको फिर उठा के वहाँ रख देंगे। और जब हैच होगा चूज़ा थोड़ा सा है ना छुलबुला सा होता है, फिर वो अंडे बाकी हिलाता है, तो इसलिए वो वहाँ होगा तो लकड़ी की वजह से फिर वो इस तरफ नहीं आ सकता। वरना कभी कभी चूज़े इस तरफ आके ना, पहले हमारे एक चूज़ा पानी के अंदर भी गिर चुका है और ऐसे भी एक्सपायर हुआ, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं तो बहुत शोर करते हैं, पंखा चल रहा होता है ना, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है हम लोग ने लकड़ी लगाई है ताकि चूज़ा इधर आने का कोई चांस ही नहीं है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।